व्हाट्सएप पीपल, माय नेम इज हिमांश सारस्वत। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने प्रीमियर प्रो के अंदर बेस्ट रील साइज कैसे, मतलब बेस्ट क्वालिटी में रील्स कैसे बना सकते हो। और कुछ लोगों को जो प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी रील्स के अंदर जब वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं या फिर कहीं भी पोस्ट करते हैं, तो उनकी रील्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं आ पा रही। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, मैं जो आपको साइज बताने वाला हूँ, ये साइज अगर आप यूज करोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना प्रीमियर प्रो ओपन करना है। यहाँ से आपको आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट बना लेना है। अगर नया प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप, मेरे पास पहले से एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो मैं उसी प्रोजेक्ट में अपना सीक्वेंस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से ही, एक मिनट, ये प्री वेडिंग की क्लिप है मेरे पास, तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले। उसके बाद अपन अपना न्यू सीक्वेंस बनाते हैं। न्यू सीक्वेंस के लिए अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप कंट्रोल एन कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज़ नहीं है तो आप मैक है तो कमांड एन कर सकते हो। यहाँ से आपको इसको कस्टम कर देना है एडिटिंग में, इसके एडिटिंग मोड को। फ्रेम साइज़ को 1280 हॉरिजॉन्टल 2160, ठीक है, 1280 बाई 2160 कर देना। बाकी सारी सेटिंग को आपको यही रखनी है, किसी को कोई नहीं छेड़ना है आपको। देन आप इसको ओके कर देना, ओके कर देना इसको, ठीक है। मेरा जो रील साइज़ है वो बन चुकी है साइज़ का, और जो सेटिंग वहाँ पे थी उसका थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर आपकी वो सेटिंग नहीं होती तो आपका जो साइज़ ये बन रहा है इसका नहीं बन पाएगा। और अपन एक बार जाके, मैं क्लिप्स को ऐड करके बताता हूँ आपको कि मैं क्लिप्स कैसे एडजस्ट करूँगा इसमें। कोई भी क्लिप्स, एग्जांपल के तौर पे मेरी कुछ फुटेज पड़ी है यहाँ पे, तो मैं इस फुटेज को एग्जांपल के लिए डाल लूँगा। कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास फुटेज है। मैं मेरी कोई फुटेज सेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा स्लो मोशन करूँगा ताकि फुटेज का सही, मतलब हम स्लो मोशन में शूट नहीं करते, यहीं पोस्ट प्रोडक्शन में ये सब स्लो होता है। तो यहाँ से इसको थोड़ा स्लो कर दूँगा और एक क्लिप और लूँगा ताकि इसकी जो हम दूसरे रो के अंदर क्लिप डालना है हमें इसके नीचे ही, तो डाल सके। थ्री रो वाली नहीं बनाऊँगा मैं, केवल टू रोज वाली बनाऊँगा। थ्री रोज वाली बना सकते हो इसी रूल को फॉलो करके, आप समझ जाओगे अभी। इसकी भी स्पीड मैं 25 कर देता हूँ, कंट्रोल आर, और ठीक है स्पीड 25 कर दिया, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, ओके। देन मैं इसको एडजस्ट करूँगा। इसको एडजस्ट करने के लिए मैं इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा, देन किसी भी एक क्लिप को सेलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर दूँगा। देन ऊपर वाली क्लिप को सेलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर सेट कर दूँगा। थोड़ा सा नीचे वाली को मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं एक बार नीचे वाली क्लिप को हल्का सा बढ़ा दूँगा, ओके डन। मेरी क्लिप ये सारा सेट है, ये वाली क्लिप। तो एक क्लिप और लूँगा ताकि एक फुल, मतलब एक फुल रील साइज़ के अंदर जो फुली मैं फ्रेम फुल कर दे मेरी, एक क्लिप और लूँगा मैं। तो उसके लिए एक क्लिप और सेलेक्ट करना है जाके यहीं से ही, कहाँ गई, हाँ इस क्लिप को ले लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ। इनपुट और आउटपुट लगाना है आपको, आई और ओ लास्ट पॉइंट पे ओ, ठीक है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, देन कंट्रोल आर, इसकी स्पीड रख दूँगा 40, ओके। अब इसको इफेक्ट कंट्रोल पे जाके एक बार इसको फ्रेम सारी फुल कर दूँगा, इसको थोड़ा सा साइड करूँगा, मैं साइड पे सेट करूँगा, डन, ओके। मेरी जो मेरे को आपको बताने थी, आप समझ गए होंगे ये सब चीज़ कि कैसे आपको सेट करना है। तो इस पे मैं एक बार आउटपुट लगा दूँगा ताकि मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकूँ, ओके। कमांड एम दबाया मैंने एक्सपोर्ट के लिए। आपको एक बार चेक कर लेना है ताकि आपकी जो साइज आपने सेलेक्ट किया है, इनपुट आउटपुट लगाया है, तो वो है या नहीं है, एक्सपोर्ट पे जाके। चलिए, ये मेरी जो वीडियो है, रील साइज़ है, वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहाँ से क्या करना है। सो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा कि कैसे इसको फ्रेम से सेट करना है, कैसे रील साइज हमारी वीडियो बनानी है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगले अपन जब अगला वीडियो लेके आएंगे एडिटिंग के ऊपर, तो आपको जो इस फुटेज को कलर ग्रेड करना है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर करिएगा। लव यू ऑल।